हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। एमसीक्यू है अपना, बिफोर टॉन्सिलेक्टोमी ऑफ द चाइल्ड नर्स विल डू मोस्ट सिग्निफिकेंस रिव्यू ऑफ विच लेबोरेटरी वैल्यू। टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी करने से पहले नर्स जो है वो कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू को यहाँ पे रिव्यू करेगी, ESR, BUN लेवल, PT या फिर क्रिएटिनिन लेवल। टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी परफॉर्म करनी है एक बच्चे के, तो नर्स जो है कौन से लेबोरेटरी वैल्यू को यहाँ पे रिव्यू करेगी बिफोर सर्जरी। तो देखिए, इस एमसीक्यू के अंदर अपना जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा PT। ठीक है, PT क्या, प्रोथ्रोम्बिन टाइम अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि टॉन्सिलेक्टोमी जब हम करते हैं तो टॉन्सिलेक्टोमी वाली करने वाली जगह लाइक जो टॉन्सिलर एरिया होता है अपना, वो क्या होता है, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर होने की वजह से यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिवली ज्यादा आपको यहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है अगर उसका PT लेवल इम्बेलेंस है तो। ठीक है, इसलिए अपन प्रोथ्रोम्बिन टाइम को यहाँ पे रिव्यू करते हैं ताकि वो अगर नॉर्मल रहता तो पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लीडिंग को जो है यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। ओके, तो अपना आंसर क्या रहेगा फर्स्ट MCQ का, ऑप्शन नंबर C, PT। नेक्स्ट MCQ, ए फीमेल पेशेंट वाज ऑन लिथियम थेरेपी फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर 6 मंथ। एक फीमेल पेशेंट है जो कि क्या, लिथियम थेरेपी पे है। लिथियम थेरेपी किसके लिए दी जा रही है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर को लिए। कंटिन्यू क्या टाइम हो गया, 6 मंथ से। सी कीप द फास्ट फॉर फ्यू डेज ड्यू टू रिलीजन रीजन्स। अब उसने क्या किया, कुछ दिन तक फास्ट रखे, रिलीजन रीजन्स की वजह से फास्ट रखना पड़ गया उसको। प्रेजेंटेड विथ सीजर, अब वो आपके सामने आई है सीजर से, ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन एंड वीकनेस ऑफ द लिम्स, ये सारे साइन सिम्टम्स के साथ में आपके सामने आई है फीमेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन नेक्स्ट टू असेस हर कंडीशन। अब तो कौन सी इन्वेस्टिगेशन को जो है यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट को, सीरम लिथियम लेवल को, या फिर सीरम क्रिएटिनिन लेवल को, या फिर ECG को। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर, तो क्या टेस्ट आप परफॉर्म करोगे यहाँ पे। देखिए हो क्या रहा है MCQ के अंदर, पेशेंट को अभी सीजर आ रहा है, ट्रेमर्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन आ रहे हैं, वीकनेस हो रहा है लिम्स के अंदर, तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, अटैक्सिया वाले कंडीशंस भी देखने को मिल रही है। तो ये जो सारे कंडीशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ये बता रही है किसकी, टॉक्सिसिटी को। टॉक्सिसिटी किसकी, लिथियम की। इसलिए आपको टेस्ट भी कौन सा करवाना है, सीरम लिथियम लेवल असेस करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फास्ट वगैरह किया उसने, तो डाइट वगैरह प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं की, सोडियम इम्बेलेंस होने की वजह से क्या हो गया है उसको, टॉक्सिसिटी कोज हो चुकी है। तो देखिए कुछ साइन सिम्टम होते हैं जिसके अंदर बात करते हैं। सबसे पहले एडली साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, इसके अंदर क्या क्या आता है, ट्रेमर्स, डिसार्थ्रिया, अटैक्सिया, GI डिस्टर्बेंस सिम्टम। लेट साइन में क्या क्या आएगा, सीजर, कोमा। ठीक है, इस प्रकार के साइन आएंगे लेट साइन के अंदर। इसके बाद में रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किस 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 का रिस्क फैक्टर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे टॉक्सिसिटी के रिस्क फैक्टर की बात करें अपन, तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, लो सोडियम डाइट,
और क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन, रीनल इंपेयरमेंट, ये सारे प्रकार के रिस्क फैक्टर रहते हैं सीरम लिथियम टॉक्सिसिटी करने के। अब आप ट्रीटमेंट क्या क्या दोगे यहाँ पे, इस प्रकार से टॉक्सिसिटी को ट्रीट करोगे? तो देखिए, लिथियम की जो टॉक्सिसिटी होती है इसकी कुछ ग्रेड दी जाती है, तो मेनली अपन तीन ग्रेड के अंदर यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रेड फर्स्ट। तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो लेवल रहता है लिथियम का वो कितना रहता है, 1.5 से लेके 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये वाला लेवल रहेगा। तो आपको पता करना है कि हाँ भाई ये ग्रेड फर्स्ट की है, मतलब माइल्ड यहाँ पे टॉक्सिसिटी हुई है। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा? नोजिया, वोमिटिंग, ट्रेमर, उसके बाद में अटैक्सिया जो मैंने अभी आपको बताए थे एक्यूट वाले, ठीक है, एजिटेशन, मसल वीकनेस। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको परफॉर्म क्या करना है। इस प्रकार की टॉक्सिसिटी होती है तो आपको एक नंबर वन आपको ध्यान में रखना है हाइड्रेशन का, तो पेशेंट के यहाँ पे हाइड्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलती है यहाँ पे। साथ में क्या दे दो आप, कैग्जलेट, ठीक है, ये तो हो गया। बात कर ली अपने किसकी, ग्रेड फर्स्ट की, और डिसकंटिन्यू कर देना है हमें यहाँ पे। इस टाइम पे अगर टॉक्सिसिटी हो रही है तो डिसकंटिन्यू करना है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इंस्ट्रक्शन देने है कि भाई अब आगे आपको करना क्या है, उसको आपको एडवाइस करना है कि बताना है कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेड टू की। तो देखिए, ग्रेड टू का जो लिथियम का लेवल रहता है वो कितना रहता है, 2.5 से लेके 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यहाँ पे क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, पेशेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, स्टूपर हो जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगी पेशेंट की बॉडी में, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरटोनिया, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, हाइड्रेशन प्लस कैग्जलेट प्लस माइनस डायलिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड ग्रेड थर्ड की। इस प्रकार से जो अपन लिथियम का अप्रोच करते हैं, अगर यहाँ पे टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है तो ग्रेड थर्ड आपको देखने को मिलती है 3.5 से ज्यादा। यहाँ पे क्या साइन क्या क्या आएंगे, पेशेंट जो कोमा में चला जाएगा या फिर उसको क्या आएंगे, सीजर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब ये लेट साइन है कोमा सीजर, यहाँ पे क्या करना है, हीमोडायलिसिस। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि एमसीक्यू बनता है इन सबसे, ठीक है। तो ये बात होगी अपने किसकी, लिथियम की टॉक्सिसिटी की। भाई ग्रेड फर्स्ट में अगर टॉक्सिसिटी किस प्रकार के साइन सिम्टम आएंगे, ग्रेड टू की टॉक्सिसिटी का लेवल क्या रहता है, ग्रेड थ्री की टॉक्सिसिटी का लेवल क्या रहता है, और क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, किस प्रकार से आपको इसको क्या करना है, ट्रीट करना है। तो यहाँ पे अपना इस एमसीक्यू का क्या आंसर निकला, ऑप्शन नंबर बी, सीरम लिथियम लेवल को आपको असेस करना है, क्योंकि सीजर, ट्रेमर्स, कन्फ्यूजन, वीकनेस ऑफ लिम्ब, ये कब देखने को मिलते हैं आपको, ये हमें देखने को मिलते हैं टॉक्सिसिटी के अंदर। आई थिंक आपके आंसर सारे यहाँ पे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का क्या वेक्टर होता है, एडीज एजेप्टी, एनाफिलेज स्टेफेंस, क्यूलेक्स पिपिन्स, या फिर फ्लेबोटोमस पार्टासी। जीका वायरस के वेक्टर के बारे में पूछा गया आपसे, क्या रहेगा अपना आंसर, तो क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। अच्छा एमसीक्यू है, लाइक कोरोना वायरस जीका वायरस भी बहुत यहाँ पे डेंजरस डिजीज कंडीशंस होती है, इसकी अभी तक वैक्सीन्स भी नहीं बनी है बहुत जगह पे,
है, काफी डेडली होता है। बस लाइक जैसे जिस प्रकार से डेंगू का ट्रीटमेंट चलता है, उसी प्रकार के इसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। फ्लूड थेरेपी वगैरह दी जाती है, एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, मगर अभी इतना इफेक्टिव इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं मिला है। तो जीका वायरस भी काफी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डेंजरस डिजीज कंडीशन है। तो देखिए, वेक्टर के बारे में आपसे पूछा है, तो वेक्टर कौन होता है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए, एडीज एजेप्टी, ठीक है, ये भी एक मॉस्किटो बोर्न डिजीज है, ठीक है। क्या नाम है इसका? जीका वायरस। तो देखिए, सबसे पहले जीका वायरस क्या होता है, तो ये एक प्रकार का क्या है, मॉस्किटो बोर्न वायरस है, इसके बारे में बात करें नेक्स्ट वेक्टर की। वेक्टर कौन कौन होते हैं इसके अंदर? एडीज एजेप्टी, सेकंड वन कौन सा होता है? एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। ये दोनों वायरस यहां पे क्या इसके वेक्टर का काम करते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करूं तो वो कौन सा होता है? फ्लेवी वायरस। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। तो देखिए, सबसे पहले अगर एडीज मॉस्किटो हमें बाइट करता है, तो बाइट करने से क्या होता है? डेंड्राइटिक सेल में इंफेक्शन कोज हो जाता है। डेंड्राइटिक सेल में इंफेक्शन कोज होने के बाद में ये क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन के बाद में ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता रहता है। ये तो बात होगी डायरेक्ट अगर मॉस्किटो बाइट करे हमें तो, एडीज मॉस्किटो के बारे में, ठीक है। सेकेंड वन बात करते हैं तो मैटरनल इन्फेक्शन है। मैटरनल इन्फेक्शन हुआ, इसके बाद में क्या हो जाएगा? प्लेसेंटल इंजरी। प्लेसेंटल इंजरी से इन्फेक्शन किसके अंदर हो जाएगा? ये फीटस के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। फीटस के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा? न्यूरोनल सेल इन्फेक्शन। ये मेनली किस पे अफेक्ट करता है? ब्रेन पे, ठीक है। ब्रेन न्यूरॉन्स वगैरह, नर्व सेल्स वगैरह होती है, वहां पे ये मेनली अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर ये क्या कोज करता है फीटस के अंदर? न्यूरोनल सेल डेथ। तो ये होती है पैथोजेनेसिस, किस प्रकार से ये हमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करता हूं ट्रांसमिशन की। यहां पे ट्रांसमिशन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन। क्लोज कॉन्टेक्ट से, एग्जाम्पल सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, और किस प्रकार से क्लोज कॉन्टेक्ट में? बॉडी सिक्रेशंस लाइक टीयर, स्वेट। ये किन में होता है? टीयर स्वेट में किस में होता है? जिसमें वायरल का जो लोड है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिले, वायरल लोड ज्यादा देखने को मिलेगा उनके अंदर। बॉडी सिक्रेशन से वजह से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और इसके बाद में किससे होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन की। जीका वायरस अगर ट्रीट नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएगी? माइक्रोसिफेली इन न्यूबोन्स। न्यूबोन्स के अंदर यहाँ पे ब्रेन का इन्फेक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा उसको? माइक्रोसिफेली कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके बाद में सीजर्स, विजन एंड हियरिंग प्रॉब्लम, गुलेन बैर सिंड्रोम, जीबीएस होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम साइन एंड सिम्टम के। तो साइन एंड सिम्टम के अंदर क्या रहेगा, मैक्यूलो पैपुलर रेसेस यहां पे हो जाएंगे पेशेंट को, और क्या देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन। मतलब बेसिक से वही डेंगू वाले साइन सिम्टम आएंगे यहाँ पे पेशेंट को, ठीक है। कंजेक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के लिए आप क्या करवा सकते हो, आरटीपीसीआर। अगर लेस देन 14 डेज के अंदर यहाँ पे इन्फेक्शन होके आप जल्दी करवाते हो तो आरटीपीसीआर से यहाँ पे कंफर्मेशन मिल सकता है। अगर लेस देन 14 से ज़्यादा टाइम हो गया तो एक टेस्ट होता है पीआरएनटी टेस्ट। ये टेस्ट इसके अंदर इफेक्टिव होता है, एमसीक्यू दोनों से ही बन सकता है अगर बनेगा तो, ठीक है। पीआरएनटी टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लेक्यू रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। ये यहाँ पे इस वायरस के अंदर ये किया जाता है। इसके बाद में सीरोलॉजिकली आप टेस्ट कर सकते हो। सीरोलॉजिकल टेस्ट करोगे तो आपको किसका लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा, आईजीएम का। अगर इन्फेक्शन मोर देन 14 डेज का तो आईजीएम का लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। और देखिए इसके ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे, एंटीपायरेटिक। और कोई इसका यहाँ पे ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है। तो एंटीपायरेटिक एकमात्र यहाँ पे मेडिकेशन है जो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हो। नेक्स्ट एक बात ध्यान में रखना, जिसको जीका वायरस हो चुका है तो उसको आपको बताना है, डू नॉट डोनेट द ब्लड एट लीस्ट 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ तक उसको क्या, ब्लड को डोनेशन नहीं करना है। बाकी आप जैसे सेक्सुअल प्रिकॉशंस वगैरह साथ में यूज लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या, जीका वायरस पे यहाँ पे ट्रांसमिशन से अपन बचाव कर सकते हैं। बचाव भी एकमात्र उपाय है इसका, ठीक है। तो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, कौन यहाँ पे वेक्टर कौन है इसका, एजिड एडीज एडेप्टिंग। ओके नेक्स्ट एमसीक्यू, द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट। कौन सा एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, कैटगट, पॉलीअमाइड, पॉलीग्लाइकोनेट या फिर पॉलीग्लैक्टिन। कौन सा सूचर जो है एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्या रहेगा अपना आंसर। देखिए सूचर से एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर एमसीक्यू बहुत सारे बने हुए हैं और आगे भी बनने की उतनी संभावनाएं हैं जितनी पहले बनी हुई है, ठीक है। तो साथ साथ में क्लास को शेयर भी कर दिया करो ताकि आपके जो फेलो स्टूडेंट्स वगैरह साथ में आपके जो है उनको भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासेस मिल जाए, ठीक है। बाकी अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह है उनको आप कंसिडर कर सकते हो, और भी ज़्यादा एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। क्रैश कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स जो है वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा नॉर्थ सेट के लिए क्रैश कोर्स बनाया हुआ आरएनसीसी के ऐप पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट, कौन सा सूचर एब्जॉर्बेबल सूचर में नहीं आता है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा, पॉलीअमाइड, ठीक है। पॉलीअमाइड यहाँ पे एब्जॉर्बेबल सूचर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एब्जॉर्बेबल सूचर की। एब्जॉर्बेबल सूचर का मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे सूचर जो टाइम के साथ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, या फिर डिसअपीयर हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आज लगाया कल डिसअपीयर होगी, उनका भी एक थोड़ा टाइम रहता है ताकि जो स्किन है वो प्रॉपर तरीके से इंटेक्ट हो जाए, उसके बाद में वो क्या होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। इन्हें कहते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर। इसका भी एक सब टाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सूचर, नेचुरल एब्जॉर्बेबल। इसका अंदर सब टाइप क्या होता है, नंबर फर्स्ट के अंदर आता है क्या, कैटगट। अब देखिए कैटगट को आजकल इतना ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं, बट प्रीवियसली इसको यूज में खूब सारा लेते थे। तो इसका जो मटेरियल किससे बना होता है,
इसका मटेरियल बना होता है कोलेजन का, डिराइव्ड फ्रॉम हेल्दी शीप और कैटल। ठीक है, ये हेल्दी शीप और कैटल से यहाँ पे ली जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में एक प्रकार की ये क्या होते हैं, फॉरेन बॉडी होती है। तो ये जो है टिश्यू के हीलिंग के अंदर भी यहाँ पे इंटरफेरेंस करते हैं। ठीक है, कई बार टिश्यू के अंदर इन्फेक्शन कोज कर देते हैं इन कैटगट की वजह से, इसलिए करंटली इनको ज्यादा यूज में नहीं लेते हैं, मगर प्रीवियसली इसको लिया जाता था जब तक अपनी जो मेडिकल साइंस और आगे डेवलप नहीं होती गई। अब इसको यूज लेने के क्या क्या रीजंस थे कि देखिए, यूज लेने में एक तो ये था कि ये क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किसको, डिस्कम्फर्ट को, कि भाई ये गोट सिप से वगैरह लेके लिए हुए थे तो मतलब ये एकदम यहाँ पे सॉफ्ट होते थे, तो मतलब बच्चों को अगर ये सूचर लगाते थे, सूचर रिमूव करने में किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम होती नहीं थी उनमें। एंड लो इंसिडेंस ऑफ स्टिच मार्क, किसी प्रकार का यहाँ पे स्टिच मार्क भी नहीं रहता था। इनका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता था, अपनी बॉडी में क्या होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है उनके द्वारा, और आप कह सकते हो फेगोसाइटोसिस के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके एब्जॉर्प्शन की। अगर मैं बात करूं कि भाई कितने टाइम तक ये एब्जॉर्प्शन रहता है इसका, तो ये रहता है 60 to 90 days तक। ठीक है, कैटगट की बात करें 60 to 90 days तक रहता है। नेक्स्ट एक पॉइंट और रहता है इसके अंदर, टिश्यू स्ट्रेंथ कितनी रहती है कैटगट की, तो टिश्यू स्ट्रेंथ रहती है ये 7 to 14% तक। मतलब ये आप कह सकते हो 7 to 14 days तक जो है वो टिश्यू को होल्ड करके रख सकता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा इससे, कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में रखोगे, स्लो हील टिश्यू के अंदर, ये टिश्यू की हीलिंग जो है वो क्या करता है, स्लो कर देता है। सेकंड वन बात करें तो टिश्यू रिक्वायर प्रोलोंग हीलिंग, उनमें क्या रहता है, कॉन्ट्राइंडिकेटर रहता है, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू स्ट्रेंथ कितनी है, 7 to 14 days तक ही मिलती है इसको, बट जिन ऐसे टिश्यू जिनको लंबे टाइम तक यहाँ पे सूजर की आवश्यकता होती है तो उनमें ये काम में नहीं ले सकते हम। ठीक है, तो ये होता है अपना क्या, कैटगट नंबर वन, अपना एब्जॉर्बेबल नेचुरल सूजर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड बात करता हूँ मैं क्रोमिक गट, क्रोमिक गट सूचर, तो ये भी किसकी बनी होती है, कोलेजन फाइबर ऑफ शीप एंड कैटल्स। नेक्स्ट बात करता हूं इसकी टिश्यू स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो होती है 21 to 28 days की। अब इसको देखिए क्रोमिक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इस कोलेजन फाइबर के साथ में क्या मिलाते हैं अपन, क्रोमियम साल्ट को मिक्स करते हैं यहाँ पे, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, क्रोमिक गट। नेक्स्ट देखिए इसकी जो टिश्यू रिएक्शन है वो हमें कम देखने को मिलती है कैटगट से, क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम साल्ट इसके अंदर मिक्स किया हुआ रहता है, इसलिए बाकी के यूजेज वगैरह सेम ही रहते हैं अपन सुपरफिशियली स्किन के ऊपर, मतलब सुपरफिशियली वेसल्स के ऊपर, स्किन के ऊपर तो नहीं लगाएंगे, स्किन के ऊपर कौन से लगाते हैं, नायलोन सूचर लगाते हैं। ये एब्जॉर्बेबल सूचर है तो एब्जॉर्ब होने चाहिए, तो मतलब डीप टिश्यूज के अंदर इसको लगते हैं। ठीक है, वेसल्स के अंदर इसको लगा सकते हैं अपन, तो इसका भी जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे हो जाएगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा, फेगोसाइटोसिस के द्वारा इनका भी यहाँ पे हो जाता है, और ये मॉडरेट रिएक्शंस देते हैं, कैटगट जितनी रिएक्शन नहीं होती इससे, बस उससे कम रिएक्शन होती है मगर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्ट्राइंडिकेशन
कौन से होते हैं नेचुरल सिंथेटिक सूचर? सॉरी नेचुरल नहीं आएगा यहां पे, एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर, क्योंकि नेचुरल की तो मैंने बात कर ली। कौन कौन से होते हैं नेचुरल में? क्रोमिक एंड कैटगट। अभी मैं इनके एग्जांपल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सिंथेटिक सूचर के अंदर सबसे पहले जो आता है, सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर के सबसे पहले वाला सूचर आएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉली ग्लेक्टिन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वाइक्रिल, ठीक है। वाइक्रिल दूसरा नाम क्या होता है? पॉलीग्लेक्टिन। अब ये किस प्रकार का सूचर रहता है? इसका जो टाइप होता है वो कैसा होता है? ब्राइडेड मल्टी फिलामेंट। अभी मैं मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, कंप्लीट सूचर अपन यहाँ पे आप कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, तो कोई भी लास्ट को छोड़ के जाइएगा मत, ठीक है। तो ये होता है पॉलीग्लेक्टिन। तो ये किससे बना होता है? इसका जो मटेरियल होता है, मटेरियल में क्या रहता है? इसके अंदर क्या रहता है? लैक्टिड कोटेड रहता है, लैक्टिड कोटेड विद पॉलीगैलेक्टिन। इन सब्सटेंस के साथ में क्या यहाँ पे कोटेड रहता है? लैक्टिड यहाँ पे कोटेड रहता है। इसकी टिश्यू स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो कितनी रहती है? 60% तक इसकी टिश्यू स्ट्रेंथ रहती है। कितने टाइम तक ये टिश्यू को होल्ड करके रख सकता है? तो 2 वीक्स तक, ठीक है। 2 to 3 वीक्स तक ये क्या कर सकता है? टिश्यू को होल्ड करके रख सकता है, डीप टिश्यू को। एब्जॉर्प्शन इसका कैसे होता है? बाय हाइड्रोलाइसिस। ये ध्यान में रखना, एमसीक्यू बनता है। वाइक्रिल बहुत ज्यादा यूज में आने वाला सूचर है, ठीक है। तो वाइक्रिल का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? हाइड्रोलाइसिस के द्वारा होता है। कितने टाइम में हो जाता है? 5 to 6 वीक में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर एक शब्द में बोले अपन तो 60 to 90 डेज के अंदर इसका कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है। टिश्यू रिएक्शन यहाँ पे कम देखने को मिलती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूँ तो सेम बात, जिसको प्रोलोंग लंबे टाइम तक होल्ड करके रखना है वहां पे अपन इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यूज कहाँ करना है? GI सर्जरी के अंदर यूज कर सकते हो, ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर, वुंड क्लोजर के अंदर। भाई एक्सीडेंट में कोई पेशेंट आया, उसका वुंड क्लोज करना है, तो प्राइमरी आप किससे कर सकते हो? वाइक्रिल से कर सकते हो या फिर लाइगेट कर सकते हो। ये किसके बारे में बात होगी? पॉलीग्लेक्टिन वाइक्रिल के बारे में। सेकंड सूचर की मैं बात करूं तो पॉली पॉलीग्लाइकोनेट, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैक्सोन। ये किस टाइप का है? तो ये है मोनोफिलामेंट। मटेरियल किसका बना होता है? सेम ग्लाइकोलिक एसिड का ये बना होता है। टिश्यू स्ट्रेंथ कितनी रहती है यहाँ पे? 70% तक। एब्जॉर्प्शन वो कितना रहता है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो 180 डेज तक ये होल्ड करके रख सकता है, 8 to 9 वीक, मोर देन 8 to 9 वीक तक रख सकता है, ठीक है। टिश्यू रिएक्शन काफी कम देखने को मिलती है। ये रहता है अल्टरनेट रहता है वाइक्रिल का, ठीक है। तो सेम एज वाइक्रिल, अगर वाइक्रिल नहीं तो अपन मैक्सोन से अपन यहाँ पे पॉलीग्लाइकोनेट से अपन यहाँ पे सूचर कर सकते हैं डीप टिश्यूज के अंदर। एंड इसी का ही थर्ड वन टाइप कौन सा है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर की बात कर रहा हूँ मैं। थर्ड वन आता है पॉली ग्लाइकोनिक एसिड सूचर, जिसको अपन किस नाम से जान देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर? डेक्सोन नाम से। तो ये कैसा रहता है? ब्राइडेड ब्राइडेड मल्टीफिलामेंट के अंदर आता है। ये बना किससे रहता है? तो पॉलीमर ऑफ
पॉलीग्लाइकोलिक एसिड से मिलके बना रहता है, एब्जॉर्प्शन वही सेम हाइड्रोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, एंड लास्ट वन में बात करूं तो क्या नाम है अपना, पॉली डायोक्सोन सूचर, जिसे आप सभी किस नाम से जानते हो, पीडीएस से। पॉली डायोक्सोन सूचर यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, 180 डेज तक ये क्या रहता है, रिमेन रह सकता है जहां पे अपन सूचर करते हैं वहां पे। टाइप क्या रहता है इसका, मोनोफिलामेंट। ठीक है, तो हमने एक एक सूचर को खोल खोल के पढ़े हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर्स को। नेक्स्ट देखिए, इससे अगर एमसीक्यू बनेगा तो क्या बनेगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें रहता है, हार्ट वाल के अंदर। हार्ट वाल की आप सर्जरी कर रहे हो तो वहां पे इसको क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। हार्ट वाल की सर्जरी कर रहे हो तो वहां पे पीडीएस को क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शंस वगैरह हो सकती है इससे, क्योंकि लंबे टाइम तक रहता है हार्ट वाल के अंदर, ये यहाँ पर नहीं लगा सकते। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा कौन से सूचर की, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज जरूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करके जाना, क्योंकि आप सभी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, डेली क्लासेस हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, हम कहते नहीं कि भाई हमारी क्लास को लाइक करो शेयर करो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको सीरियसली ले लो। ठीक है, कि सर तो जो बता दिया है बस हम पढ़ लें, दूसरों को क्यों पढ़ाना है भाई, दूसरों को भी तो पढ़ाओगे तभी तो, दूसरों को अच्छा करोगे तभी खुद का अच्छा होता है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, आजकल का टाइम अलग है, बट अपन तो थोड़ा उसी फेज में चलने दो, उससे क्या है कि इंसानियत बची रहेगी। तो देखिए सब बात करते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की, तो यहाँ पे भी सेम, सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर नेचुरल। इसके अंदर सबसे पहला आएगा वो कौन सा है, सिल्क। भाई सिल्क हमें कैसे मिलता है, नेचुरली मिलता है, और ये क्या रहता है, नॉन एब्जॉर्बेबल रहता है। ठीक है, तो ये किसका बना होता है, मटेरियल प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है, वो भी किसकी प्रोटीन की, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म की प्रोटीन का ये बना रहता है। टिश्यू स्ट्रेंथ यहाँ पे कितनी देखने को मिलती है, तो 80-100% तक यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग टिश्यू स्ट्रेंथ मिलती है यहाँ पे। एब्जॉर्बेबल रेट काफी इसकी स्लोली होती है, 1-2 ईयर तक ये क्या है, पेशेंट के यहाँ पे बॉडी के अंदर रह सकता है ये, इसलिए इसको जो है वो सुपरफिशियली हम काम में लेते हैं, 1-2 ईयर तक एब्जॉर्प्शन इसका होता है। ठीक है, टिश्यू रिएक्शन यहाँ पे हो सकती है क्योंकि ये प्रोटीन से बना होता है, वो भी सिल्क वॉर्म की। ठीक है, सेम जैसे एब्जॉर्बेबल नेचुरल एब्जॉर्बेबल कैटगट क्रोमिकट वगैरह, उससे भी क्या यहाँ पे टिश्यू रिएक्शन देखने को मिल सकती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूं तो वैस्कुलर प्रोस्थेसिस, ठीक है, जहां पे प्रोस्थेसिस लगा है वो भी, और वो प्रोस्थेसिस भी किसका, वेसल्स का, वैस्कुलर, वहां पे इसको क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो कंटिन्यूसली वहां पे पड़ा रहेगा तो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पैदा करेगा। सेकेंड बात करते हैं इसका यूज, यूज कहाँ पे आता है, तो स्किन क्लोजर एंड लाइगेशन में इसका हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, जो अपन ड्रेन्स लगाते हैं पेशेंट की बॉडी में, ड्रेन को यहाँ पे बॉडी से कनेक्ट करने के लिए, अटैच करने के लिए किसका यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सिल्क का हम यूज करते हैं। इसके बाद में देखिए, ये फर्स्ट हो गया कौन सा, सिल्क। सेकेंड की मैं बात करूं तो कौन सा होता है, लिनिन। सेकेंड सूत्र कौन सा होता है, लिनिन। तो ये भी कैसा रहता है, मटेरियल इसका कैसा रहता है, फ्लेक्स फाइबर का ये मिलके बना होता है। ठीक है, मटेरियल देखो आपके एब्जॉर्बेबल का आपको पूछ सकते हैं, मगर यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल के आपको इतना मटेरियल नहीं पूछा जा सकता। तो इसका एक खासियत होती है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग वैन वेट, जब ये गीला होता है तब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसलिए इसको भी अपन यहाँ पे लंबे टाइम तक यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, ये भी
1 to 2 ईयर तक यहाँ पे स्टेंट प्रोवाइड करवाता है। टिश्यू रिएक्शन भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है और सेम यहाँ पे लाइगेट के हिसाब से और वेस्कुलर प्रोसेसिस के अंदर इसको भी अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखते हैं। नेक्स्ट सूचर कौन सा आता है? नेक्स्ट आता है नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक। अभी ऊपर कौन सा पढ़ा अपन ने? नेचुरल नॉन एब्जॉर्बेबल, अभी अपन पढ़ रहे हैं सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल। इसके अंदर फर्स्ट वन जो सूचर आएगा वो कौन सा आता है? स्टेनलेस स्टील से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो सकता है? आयरन से मिलकर बना हो सकता है, निकल से बना होता है, क्रोमियम से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे सब्सटेंसेस से बना रहता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं बात करूं तो जिन पेशेंट की एमआरआई करवानी हो, ठीक है, या फिर सेंसिटिविटी टू निकल एलिमेंट, तो अपन उनको उनमें क्या करेंगे? अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना होता है हमें। यूज किसमें आएगा सर? ठीक है, स्टेनलेस स्टील का किसमें यूज करेंगे? बोन सर्जरी के अंदर इसका यूज में क्या रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेनोटोमी। स्टेनम की यहाँ पे सर्जरी हो तो बेसिकली क्या करते हैं अपन? स्टेनलेस स्टील का यूज में लेते हैं, या फिर लिगामेंट सर्जरी। ये हो गया हमारा क्या? स्टेनलेस स्टील। सेकंड वन जो मोस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होता है वो नायलॉन सूचर, जो सबसे ज्यादा यूज में होता है, ठीक है। ये मोनो और मल्टीफिलामेंट दोनों ही कैटेगरी के हो सकते हैं अपने जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होते हैं। तो ये किसके बने होते हैं? इसके अंदर क्या मटेरियल होता है? तो देखिए, नायलॉन किससे बना होता है? पॉलीमर, ठीक है, पॉलीएमाइड पॉलीमर से मिलकर बना होता है। टिश्यू स्ट्रेंथ इसकी कितनी रहती है? 15-20% तक की टिश्यू स्ट्रेंथ रहती है, ठीक है। और ये पर ईयर कम होती जाती है। एब्जॉर्प्शन इसका जो है टू ईयर तक ये क्या है? एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका कहीं भी नहीं है, आराम से अपन सुपरफिशियली स्किन किसी भी पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करूँ तो नन। यूज की मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन सर्जरी, हर प्रकार की सर्जरी के अंदर अगर आपको स्किन सूचर लेने होते हैं तो आपको कौन सा सूचर की यूज पड़ेगी? नायलॉन सूचर की। तो देखिए, क्यूटेनियस सर्जरी, स्किन की सर्जरी, या फिर आप कह सकते हो प्लास्टिक सर्जरी, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक सर्जरी, हर्निया, एब्डोमिनल वॉल सर्जरी, इस प्रकार की सर्जरीज के अंदर यूज में आने वाला कौन सा है? नायलॉन। थर्ड वन सिंथेटिक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर का टाइप कौन सा है? पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर जो सेम, ये भी मल्टी एंड मोनोफिलामेंट रहता है इसके अंदर। इसका दूसरा नाम से अपन किस नाम से जान सकते हैं अपन? डेक्रोन सिलिकन एथिबॉन्ड, इन नामों से यहाँ पे हम इनको जान सकते हैं। बहुत ही अच्छी तगड़ी वाली इसकी टिश्यू होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। इसका भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं रहता, तो इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज अपन कहाँ कर सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर, जनरल सर्जरी, सेम प्लास्टिक सर्जरी, इन सभी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन सूचर जो होता है नॉन एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सूचर का लास्ट टाइप कौन सा है? पॉलीप्रोपाइलिन। इसका बना होता है पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलिन का ये बना होता है, सेम कार्डियोवास्कुलर सर्जरी वगैरह इन सब के अंदर इसका भी यूज में किया जाता है। तो ये हो गए अपने क्या सूचर्स। अब जितने भी प्रकार के सूचर है सारी की कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दी है, इसके बाहर एक भी कैटेगरी मिस नहीं होती है। इसके बाद में इसका एक फाइनल टॉपिक बचता है, कौन सा? मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट।
तो अभी मैंने आपको जो सूजर्स बताए उसके बारे में लिख लो सबसे पहले तो एब्जॉर्बेबल के बारे में, इस साइड में नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल में क्या क्या बताया मैंने आपको, पॉलीग्लैक्टिन, वाइक्रिल, सेकंड वन पॉलीग्लाइकोलिक एसिड डेक्सन, थर्ड वन कौन सा था, पॉलीडेक्सन जिसको अपन पीडीएस कहते हैं, इसके बाद में फोर्थ वन कौन सा था, पॉलीगैप्रोन। ये तो बात होगी एब्जॉर्बेबल की, नॉन एब्जॉर्बेबल में कौन कौन सा आता है, पॉलीप्रोपाइलिन जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोलिन। सेकंड वन की बात करूं तो पॉलीएमाइड, जो अपने एमसीक्यू का आंसर था किसके बारे में पूछा गया था, एब्जॉर्बेबल सूजर नहीं है तो कौन सा नहीं था, पॉलीएमाइड जिसको अपन क्या बोलते हैं, नायलोन। थर्ड वन की मैं बात करूं तो पॉलिस्टर। इसके बाद में और कौन से आते हैं, सिल्क आ जाता है, ठीक है। ये सारे सूचर कौन से होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर रहते हैं अपने। अब टॉपिक आता है अपना किसका, मल्टीफिलामेंट एंड मोनोफिलामेंट। इसका क्या मतलब होता है, देखिए फिलामेंट का क्या मतलब होता है, थ्रेड, ठीक है। अपने को नॉर्मली समझना फिलामेंट का मतलब क्या रहता है, थ्रेड। तो मोनोफिलामेंट का क्या मतलब होता है, मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, एंड ये किससे बने हुए रहते हैं, मल्टीपल स्ट्रैंड से। इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, मल्टीफिलामेंट, क्योंकि ज्यादा ऐसे मिलके यहाँ पे बने होते हैं। नेक्स्ट, अब स्ट्रॉन्ग ज्यादा मल्टीफिलामेंट है तो मोनोफिलामेंट का भी कुछ ना कुछ अच्छा होता होगा। तो मोनोफिलामेंट के साथ में ये अच्छा होता है कि ये मोनोफिलामेंट होने की वजह से यहाँ पे रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन क्या होती है, लेस होती है, और ये मल्टीफिलामेंट होने की वजह से रिस्क ऑफ बैक्टीरियल कंटामिनेशन क्या होती है, यहाँ पे हाई देखने को मिलती है मल्टीफिलामेंट में, ठीक है। अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट। अब इसके एग्जांपल की मैं बात करूँ मोनोफिलामेंट की, तो कौन 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 से होते हैं, प्रोलिन। यहाँ पे मैं एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल नहीं बता रहा हूँ, मोनोफिलामेंट मल्टीफिलामेंट बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ एब्जॉर्बेबल है वो मोनोफिलामेंट है, कुछ नॉन एब्जॉर्बेबल है वो भी मोनोफिलामेंट है, तो उनको अपन यहाँ पे कैटेगरी दे रहे हैं। नेक्स्ट, पॉलीएमाइड जिसे हम एथिकोन भी कह सकते हैं, एथिलोन भी कह सकते हैं। इसके बाद में कैटगट, ये क्या है, मोनोफिलामेंट सूचर है। और इधर इसका एग्जांपल क्या क्या होते हैं, सिल्क, और सिल्क के अलावा पॉली ग्लाइकोलिक एसिड जिसे हम क्या बोलते हैं, वाइक्रिल। तो यहाँ पे अपना सूचर का टॉपिक कंप्लीट होता है, इसके बाहर आपका एक भी एमसीक्यू नहीं जाएगा सूचर को लेके, ठीक है। ये आरएनसीसी का आपके साथ में प्रॉमिस है, एक भी सूचर का यहाँ पे टॉपिक इससे बाहर नहीं निकलने वाला है। तो इस एमसीक्यू का हमारा आंसर क्या निकला, पॉलीएमाइड, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है, एब्जॉर्बेबल सूचर के एग्जाम्पल है, एक को छोड़ के कौन सा नहीं है, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट विथ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, एलेक्टेज, कॉलीपेज, अमाइनोपेप्टाइडेज, या फिर राइबोन्यूक्लिएज। पैनक्रियाटिक जूस में क्या नहीं प्रेजेंट रहता है, तो देखिए पैनक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, अमाइनो पेप्टाइडेज, ये यहाँ पे
प्रेजेंट नहीं रहता है, बाकी के यहाँ पे जूस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं जूस में। तो क्या क्या प्रेजेंट रहता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? तो पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर? एंजाइम्स, कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, एलेक्टेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड राइबोन्यूक्लियेज एटसेट्रा। तो इतने सारे, इससे भी ज्यादा यहाँ पे क्या पैनक्रियाटिक जूस के अंदर सब्सटेंस रहते हैं, जूसेस के अंदर एंजाइम रहते हैं। कौन सा नहीं रहेगा? तो नहीं रहने में क्या आएगा, अमाइनो पेप्टाइडेज। के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।